एग्जाम्पल नंबर 8 है। इस एग्जाम्पल में आपके पास ये जो सी एम है और आर एन जो है ये मीडियंस गिवन है। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये हाफ हाफ क्या होंगे, इक्वल। या आप ये भी कह सकते हो कि पूरा ए बी जो है वो ए एम का डबल होगा, कह सकते हैं ना। अगर ये इक्वल है तो आप ए बी को कह सकते हो डबल ऑफ ए एम, या ए बी को कह सकते हो डबल ऑफ बी एम। तो जो आपको जरूरत हो आप यूज कर सकते हो। सेम वे में आर एन इज ऑल्सो मीडियन, अगर ये मीडियन है तो ये हाफ ऑफ इक्वल होगा, ठीक है। और आर पी क्यू को आप लिख सकते हो डबल ऑफ पी एन, और यू कैन राइट डबल ऑफ क्यू एन, ठीक है। तो जो आपको जरूरत होगी इस ट्रायंगल की होगी तो ये यूज कर लेना, इस ट्रायंगल की जरूरत है तो ये यूज कर लेना। अब देखो इधर ये दो ट्रायंगल है, वैसे तो फिगर ऐसे दे रखी है, आप चाहो तो इस फिगर को सीधा जैसे सिंपल ट्रायंगल होते हैं ऐसे डिवाइड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट तो वेरीफाई करेंगे ही करेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, जो ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर है। जो ट्रायंगल एबीसी है और पी क्यू आर है ये दोनों सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आएगी और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। अब आप इसमें से जो यूज करना चाहो कर सकते हो। एक पार्ट सुन लो, बाकी इजी है, वो आप एज इट इज रीड कर लेना। आपके पास ए बी, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पी क्यू। ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू हुआ, ये इक्वल हो गए, सारे एंगल इक्वल है। ए पी के इक्वल है, बी सी आर के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये सारे एंगल इक्वल है। अब आपने प्रूव करना है कि ये जो छोटे वाले दो ट्रायंगल है ना ये सिमिलर है, ये शो करना है। जैसे आपने ये पूरी साइड लिखी है तो आप इस पूरी साइड के बदले अगर ये लिख दो ट्वाइस ऑफ ए एम, मतलब आप ए बी की जगह पर अगर ट्वाइस ऑफ ए एम लिख दो, क्योंकि ये क्या है मीडियन, तो ये इस पूरे को डिवाइड करता है, तो आपको ए एम, एक्चुअली आपको ये छोटे वाला ट्रायंगल चाहिए। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास, अच्छा ये देख लो, जो इसके मीडियंस है ना उनके बारे में क्या दे रखा है, वो इक्वल है कि नहीं है, देखो दिया हुआ ये चीज। अब यहां देखो, अब आपने ये साइड की रेशो इसके साथ इक्वल है, यहाँ पे ये आप बड़े वाले का अगर इसकी जगह ट्वाइस ऑफ ए एम लिख दो और इसकी जगह ट्वाइस ऑफ पी एन लिख दो, तो ये ट्वाइस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इस साइड की रेशो और इस साइड की रेशो सेम आ जाएगी। और इसमें एंगल ए और पी क्या है, इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दो रेशो सेम है, ये वाली और ये वाली, ये रेशो सेम है और एंगल इक्वल है। तो ऐसे ऐसे दोनों छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, अगर ये ऐसे ऐसे है तो ये भी तो होगा ऐसे ऐसे सिमिलर, ठीक है। तो यही पार्ट था आपका फर्स्ट वाला। अब यहां देखो, आपने इतना ही याद रखना है कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उसके अंदर छोटे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं मीडियंस की हेल्प से वो भी सिमिलर होंगे, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर आप इस साइड का डबल कर दोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सेम रूल से, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज है, अगर ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम आएगी, मतलब ए सी अपॉन पी आर, ए एम अपॉन पी एन, सी एम अपॉन एन आर, ठीक है, सेम है। इसका मतलब मीडियंस भी इक्वल हो गए, मीडियंस की रेशियो साइड के साथ इक्वल होगी। नेक्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, देखो सेकंड पार्ट यही है इसका, मीडियन के साथ रेशियो सेम करनी थी, ठीक है। बस इतना ही इस रिजल्ट में है कि बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मीडियन दे रखा है तो छोटे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटे वाले दिए हुए हैं साइड का डबल कर दोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्लियर है, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। अब अगले में आपको कह रहा है ये सिमिलर शो करो, ये वाले, ये भी सेम रूल से हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर छोटे वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला और ये वाला, तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो
सेम हो जाएगी। ए सी अपॉन पी आर, ए एम अपॉन पी एन, सी एम अपॉन आर एन इक्वल हो। ठीक है, एक्सरसाइज देखो 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ना सारे सीधे बैठो, ये देखो कैसे बैठे हो, कुछ लिखना नहीं है सिर्फ सुनना ही है, सीधे बैठो सारे। पहले तो क्वेश्चन नंबर वन देखो, क्वेश्चन नंबर वन में 60, 80, 40 एंगल सेम है देखो सारे, 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग 60 है, 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग 80 है, 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग 40 है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय विच रूल, ए ए डबल ए भी कह सकते हो, ट्रिपल ए भी कह सकते हो। सेकंड पार्ट है 2, 3, 2.5, 6, 5, 4 साइड की रेशो 2 by 4, 3 by 6, 2.5 by 5 सबकी रेशो 1 by 2 आ रही है। ट्रिपल एस से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर सपोज एक एंगल यहाँ पे 35 दे रखा है तो चेक कर लेना ये 35 इसमें से कौन सा 35 आएगा, ये वाला 2 और 3 के बीच में है ना, ऐसे ही 4 और 6 के बीच वाला एंगल, क्योंकि 2 की रेशो 4 के साथ है, 3 की रेशो 6 के साथ है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल 35 होगा। यहाँ पर ऐसे कोई भी एंगल आपसे पूछ सकते हैं, क्लियर है ये, तो ट्रिपल एस से ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। बन नहीं रही, जो बन रहा है वही लिखेंगे ना, सबकी रेशो 1 by 2 बन रही है, 2 की 4 के साथ करोगे तभी 1 by 2 आएगा, अगर 2 को 6 के साथ कर देते तो 1 by 3 आ रहा है, बाकियों की फिर 1 by 3 नहीं आ रही। ठीक है, मतलब इस तरह से रेशो लेनी है कि सेम भी बन जाए और ट्रायंगल सिमिलर बन जाए। जैसे आपने बोला ए किसके साथ आप ले लेते हो तो फिर नेम चेंज हो जाएंगे, वो बोले ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। इस कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज ये एबीसी था और यहां पर ये पी क्यू आर है, तो अब यहाँ पे एबीसी जो है वो सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर के, लेकिन जो नेम आप बोल रहे हो उसमें नेम चेंज हो जाएगा और वो सिमिलर नहीं होंगे। अगर आप नेम चेंज कर देते हो तो पी क्यू आर की जगह आप आर क्यू पी ले लो या आर क्यू पी ले लो, तो वो सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि रेशो चेंज कर दिया आपने। इसलिए अगर सिमिलर बनाने हैं तो रेशो सेम लेके नेम ठीक करने पड़ेंगे, नहीं हो रहे फिर अलग बात है, अभी तो बन रहे हैं ना। इसमें इसमें वो कह रहे हैं ट्रायंगल सिमिलर है, रूल का नेम बताओ किससे हो रहे हैं सिमिलर। देखो नेक्स्ट 2.7, ये जिसकी भी आवाज आ रही है इसे बंद कर लो, 4, 6, 5 यहां देखो, हाँ 2 की रेशो 4 के साथ लोगे, 3 की 6 के साथ, लेकिन 2.7 जो है वो 5 के साथ 1 by 2 नहीं बना रहा, तो सिमिलर नहीं है। ठीक है 2.5, 75, ये आ गया 6, 70, 10 देखो 2.5 की रेशो किसके साथ लोगे आप, 10 के साथ, क्या आएगा 1 by 4 कहाँ 6 की जगह 5 है, यहाँ पे मेरी बुक में तो 6 ही लिखा हुआ है। चलो ठीक है 2.5 का 10 के साथ लेते हो अगर तो नहीं बन रही, इसको 5 के साथ 1 by 2, 5 को 10 के साथ 1 by 2 साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ऐसे हो रहा है, रूल हो रहा है ना, रेशो कितनी आ रही है 1 by 2 और थर्ड वाला सॉरी नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट देखो, हाँ जी एंगल सम प्रॉपर्टी से
जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें दो एंगल गिवन है 80 और 70, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें 80 एंड 30 गिवन है, तो एंगल सेम नहीं है, तो आप जो मिसिंग एंगल है ये फाइंड कर लो। यहाँ देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, और ये सारे एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब कौन सा रूल हो गया, डबल ए या ट्रिपल ए दोनों ही ट्रू है। फिफ्थ पार्ट हाँ नो है, क्यों, एंगल जो है इंक्लूडेड नहीं है, एक में है दूसरे में नहीं है, फिफ्थ पार्ट जो है वो सिमिलर नहीं है, चेक कर लो एक बार, क्योंकि 2.5 और 3 के बीच में आना चाहिए था एंगल, आना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए सिमिलर नहीं है। सेकेंड वाले ट्रायंगल में एंगल इंक्लूडेड है, लेकिन फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एंगल जो है वो दो साइड्स के बीच में इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, बाकी तो है सारे, एक ऊपर और था, थर्ड पार्ट भी नहीं था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं और आपने मिसिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और एंगल सेम होंगे, तो आप इसमें से रिजल्ट यूज कर सकते हो और एंगल फाइंड कर सकते हो। ये एंगल गिवन है 125, ये 70 गिवन है, डी सी ओ ए बी ये ट्रायंगल गिवन है दो, और ये दो एंगल गिवन है, आपने एंगल फाइंड करना है 1, 2 और ये 3, तीन एंगल फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले नेम चेक करने हैं इस क्वेश्चन में, ट्रायंगल जो है ओ बी सी सिमिलर है ओ बी ए के, नेम चेक करो, ये देखो ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ है, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, मतलब डी और बी इक्वल होंगे, अगर ये 70 है तो ये भी, कौन से टाइप के एंगल है, लाइंस गिवन है पैरेलल, ठीक है, और ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम, लेकिन साइड चाहिए नहीं हमें, नहीं दिया, अच्छा ट्रायंगल फिर सिमिलर के थ्रू कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, देखो इधर सिमिलर गिवन है, यहां से चल रहे हैं इधर से, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, दिया हुआ है, एक्चुअली ये क्यों इक्वल है दोनों, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये 70 है तो ये भी 70 आएगा, पैरेलल के थ्रू नहीं आया तो सिमिलैरिटी के थ्रू आ जाएगा। सी किसके इक्वल होगा, ए के, तो ये एंगल फाइंड करना है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये कितना आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा कितना, 55, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए आएगा, ये भी तीनों ही एंगल 55 आ रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है, रूल नहीं लगेगा, दिए हुए हैं, सिमिलर हैं तभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल की है, साइड्स की रेशो करनी हो तो वो भी लिख सकते हो, साइड्स बता सकते हो यहां से, OD अपॉन BC अपॉन A, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि एंगल्स फाइंड करने के साथ साइड भी कहे, साइड कोई ना कोई गिवन होगी, रेशो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेगा। ठीक है, आप अटेंडेंस भी सेंड कर रहे हैं सर को, अदिति आप लिख रहे हो अटेंडेंस, आप भी कर दिया करो, ठीक है, वो कह रहे थे कि अटेंडेंस नहीं आ रही है मेरे पास, डेली उनको सेंड करो अटेंडेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ना, आपने ट्रेपीजियम के पहले दो क्वेश्चन कर चुके हो, आप याद है ट्रेपीजियम के क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने सेंटर में एक लाइन डाली थी पैरेलल, और उसमें क्या लगाई थी, बीपीटी, क्योंकि लाइन पैरेलल लेके चले थे, लेकिन अब बीपीटी नहीं लगेगी। अब सुनो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आपको कहते हैं एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, कहते हैं इनके जो डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें भी गिवन था उस क्वेश्चन में, ठीक है, और वहां पे हमने यहाँ एक लाइन डाली थी, पूरी भी ले सकते हो, और यहाँ एक लाइन डाली थी पैरेलल, और उसमें रेशियो इक्वल की थी। एक्चुअली उस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे उसमें क्या था, इसकी रेशियो लेनी थी, ऐसे किया था ना, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया था बेस वाला, इसकी रेशियो ली थी, फिर एक बार ट्रायंगल लिया था ये वाला जिसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, और दोनों रेशियो को कंपेयर किया था,
ठीक है। इसमें यहाँ क्या कह रहा है आपको कि रेशो, देखो रेशो डिफरेंट है यहाँ पे, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये शो करना, मतलब इसकी रेशो लेनी है इसके साथ। अगर आपको जरा भी ये लगता है ना कि हमें याद नहीं रहेगा, तो आप वही वाला पैरेलल का कंसेप्ट लेके अगर ये ला सकते हो तो भी चलेगा, कोई ऐसे वो नहीं है कि पर्टिकुलर इसी मेथड से करना है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन की रेशियो उसके जैसी सेम है तो आप उसी मेथड से कर लो, ठीक है। एक ट्रायंगल बेस वाला ले लो एडीसी, दूसरा ट्रायंगल ले लो एडीबी, दोनों रेशियो को कंपेयर कर लो, ये कॉमन आएगा हट जाएगा, रेशियो सेम आ जाएगा। आ रही है इससे भी आ रही है, आ रही है उससे भी आ जाएगी। देखो इस वाले ट्रायंगल के केस में आएगा, बेस वाला ट्रायंगल अगर ये वाला लेते हो ओ ए अपॉन ओ सी आ रहा है, और अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो ये वाला, इसमें ये कॉमन उसमें भी आ रहा है ओ डी अपॉन ओ बी, ये कॉमन है हट गया, रेशो सेम आ गया, ये भी चलेगा। वैसे देखो अब एक और मेथड भी है, ये भी देख लो, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना इन दोनों को सिमिलर कर दो, कैसे, लाइन पैरेलल है क्योंकि ट्रेपीजियम है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ए ए वर्टिकली भी हो जाएगा, वैसे दो से ही हो रहा है, ए ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल क्या हो गए, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, वो वाला मेथड भी कर सकते हो जो पहले की, क्योंकि क्वेश्चन देख के थोड़ी पता चलेगा आपको क्या करना है, जिससे आ जाए उससे कर लेना, लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ना इन दो, वहां पे सिर्फ ये बताया होगा कि सिमिलैरिटी, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में पूछेगा विच ऑफ द रिजल्ट इज ट्रू या विच इज नॉट ट्रू, या बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो मैच वाला भी, वैसे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाइन पैरेलल का भी पूछ सकता है, तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, रिजल्ट पता होना चाहिए आपको। इसमें ऐसे भी हो सकता है ओबी यहाँ आ जाए ओसी यहाँ चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस एक्सरसाइज में से भी इवन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट नोटबुक पे लिखनी है आपने, इवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसे मत लिखना प्रूव दैट, ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है जैसे सपोज आपने यही वाला क्वेश्चन है, जैसे यही सपोज करो आपने लिखना है, आपने सारी स्टेटमेंट लिखी, शो दैट मत लिखना, वहां लिखना ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी इज द ट्रू रिजल्ट या दिस रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, तो शो दैट मत लिखना या प्रूव दैट मत लिखना, देन द फॉलोइंग रिजल्ट आर ट्रू या देन दिस रिजल्ट इज ट्रू, ये रिजल्ट लिख देना, मतलब कहने का मतलब ये है, प्रूव दैट मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, वो तो नहीं सॉल्व क्यों करना है, स्टेटमेंट ही करनी है, मैंने उस दिन 6.2 में भी आपको बताया था ये, बस क्वेश्चन लिख कर देन द फॉलोइंग रिजल्ट एक है या दो भी है जो है लिख देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, एक मिनट पहले यहां देखो, इसमें ना दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल है, पहले एक है पी क्यू एस और दूसरा है टी पी टी क्यू टी आर, यहां साइड ज्वाइन है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले एक मिनट सुन लो, आपके पास ये रेशियो गिवन है, यहां देखो एक तो ये गिवन है कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, रुको अभी एंगल 2 नहीं लिख रहे, फिगर फिर कंप्लीट हो जाएगी, पहले ये रेशियो देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर, ये रेशियो दिए गए, ये रेशियो चेक करो, क्यू आर मतलब ये पूरा बेस, क्यू एस मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, यही है ना, एक साइड बड़े की बड़े ट्रायंगल की, एक छोटे वाले ट्रायंगल की, ये वाली साइड देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल की क्यू टी साइड है और छोटे ट्रायंगल की पी आर नहीं है, क्या होना चाहिए था इसकी जगह, यहाँ क्या होना चाहिए क्यू पी, ठीक है, अब ये लेके आना है आपने, कैसे आएगा, यहाँ पे ना ये ज्वाइन है, यहाँ एंगल 2 बन रहा है, अब एंगल 1 और 2 जो है देखो कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, पी क्यू आर में, एंगल 1 और 2 जो है वो इक्वल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड
साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, इसका मतलब पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल है। तो मैं पी आर की जगह पे अगर पी क्यू लिख दें तो हमारी रेशियो सेम आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से आ गई साइड और ये आ गया एक एंगल, साइड एंगल साइड। कैसे? इस वाले ट्रायंगल की साइड बड़े वाली, फिर इसकी छोटे वाली साइड, बड़े ट्रायंगल की साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड, एंगल उसके बीच में फॉर्म हो रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है। ट्रायंगल, अब इसमें एंगल कौन सा आ रहा है? वन आ रहा है, सिर्फ वन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, टू नहीं आ रहा। वैसे दोनों इक्वल हैं, लेकिन जब आप साइड छोटे वाली और बड़े वाली ले रहे हो तो एंगल वन इंक्लूड हो रहा है इस साइड के बीच में, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बस ये रिजल्ट है यहाँ पे कि ये चीज का जो आंसर आया वो यहाँ यूज करना है, तभी जाके रेशो इक्वल हो रही है और ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। कौन से रूल से सिमिलर हो रहे हैं? एसएएस से, ठीक है। ट्रायंगल का नेम मेन है, नेम बता सकते हो? छोटा ट्रायंगल है पी क्यू एस और बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, क्लियर। पी क्यू आर, छोटा ट्रायंगल ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये हो गया, और बड़े वाला ये पूरा, ठीक है। एक्चुअली बड़े की साइड क्यू आर है, क्यू टी है, छोटे वाले की साइड पी क्यू एस और क्यू पी, और एंगल वन इंक्लूडेड है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है बिल्कुल सेम है, बता सकते हो किसके जैसा है? क्वेश्चन नंबर फाइव देखो कैसा है। एग्जाम्पल है, सेम किया हुआ है हमने। अभी तो इजी टॉपिक चल रहा है, अभी आपका ये हाल है, आगे जाके तो पता नहीं क्या करने वाले हो। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी आगे आने वाला है, अभी तो काम आया ही नहीं है कुछ, ये तो इजी है सारा। इसमें तो वही सिमिलैरिटी रूल्स ही चल रहे हैं और एक थ्योरम की है, अभी तो आगे काम शुरू होना है। जो नेक्स्ट पेज पे थ्योरम है ना, वहां से काम स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखा पहले आपने? हाँ जी, अब यहाँ से शुरू होगा मेन काम, थ्योरम्स भी है इसके अंदर अभी, और सारा यहाँ से देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन है आगे। हाँ जी, थ्योरम नहीं है लेकिन क्वेश्चंस तो आने हैं, एप्लीकेशन तो है उनकी, सिर्फ थ्योरम नहीं है, बस थ्योरम के प्रूफ वगैरह नहीं है ना, मतलब उसका रिजल्ट लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट करना है बस। सबसे मेन है जो लास्ट इसकी 6.6 एक्सरसाइज है, उसमें काम है ज्यादा, 5 भी है, ठीक है। वो सारे रिजल्ट लर्न करने हैं आपने, वो एज इट इज यूज होते हैं, ठीक है। वैसे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है तो वो लर्न करने पड़ेंगे आपको सारे। हाँ जी, देखो इधर क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको कहता है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एस एंड पी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर, एक पॉइंट पी आर पे है, एक पॉइंट क्यू आर पे है, इस पे एस है और इस पे टी है, लिखा हुआ देख लो ऐसे, एस एंड पी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दिया हुआ है। आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है वो आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है आर टी एस के। अब एंगल गिवन है, साइड्स के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो जब ऐसा होता है तो क्या लगता है? एक फिगर है, जब सिंगल फिगर होती है तो क्या होता है? कुछ कॉमन होता है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एंगल आर कॉमन है छोटे ट्रायंगल में भी बड़े में भी, ये एंगल इक्वल है, ए ए से ट्रायंगल सिमिलर होगा। जो एग्जांपल किया था ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें ये दोनों एंगल इक्वल थे, लाइन पैरेलल, ये एंगल इक्वल, इसका मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव किया था, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है आपका, पेज नंबर 127, एग्जांपल नंबर 3, सेम है ऐसे ही वो भी,
ठीक है, लेकिन वहां पैरेलल का कंसेप्ट था इसलिए बीपीटी वाली रेशियो भी यूज कर सकते थे या लगा सकते थे जैसे भी, लेकिन यहाँ सिंपल है, डबल ए रूल से हो रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना एक चीज कही थी, इस चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉन्ग्रेंसी आएगी, इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रेंसी दी हुई है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इक्वल यूज होना है यहाँ पर। अब देखो ये कौन है, अपने हाथ रोको जरा, यहां देखो फिगर इसकी गिवन है, ये फिगर है इसकी, पहले मैं कंप्लीट नहीं कर रही फिगर, ये देखो ये है ए बी सी, ये ई गिवन है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, जब आप इसको ज्वाइन करते हो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और जब आप इसको ज्वाइन करते हो फिर एक ट्रायंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो अभी ये ज्वाइन है इस टाइम पे, तो आपके पास दो ट्रायंगल हैं जिनके नेम लिखे हैं ए बी ई ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी साइड ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगी, ए बी और ए सी क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स भी हैं, बड़ा ट्रायंगल मतलब ये जो बड़ा ट्रायंगल बाहर वाला है, इसका मतलब एबीसी आइसोसेलेस हो गया। इसके बाद एक मिनट देखो इधर, ये जो ट्रायंगल है, एक मिनट पहले यहां देखो, ये ट्रायंगल है ना जो ये ऊपर वाला, इसमें एक साइड तो ये है और एक साइड इसकी ये है, ये नहीं ले सकते क्यों, हाँ जी चाहिए नहीं हमें ये वाली साइड, चाहिए नहीं, वैसे यूज करना चाहो कर सकते हो, लिख सकते हो यूज हो तो कर लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल है यही वाले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी है सिमिलर भी है, तो इसकी सिमिलैरिटी शो करनी है दो ट्रायंगल की, तो हम क्या करने वाले हैं, ये साइड, ये एंगल और ये साइड एस ए एस, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो फिर ये वाली साइड, ये साइड और ये एंगल, ठीक है, ऐसे ऐसे आप शो करोगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर के लिए रेशो चाहिए, पहले ये इक्वल दे रखे हैं, ए ई इज इक्वल टू ए डी है, ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी जो है वो वन है, ए ई अपॉन ए डी जो है वो भी वन है, तो दोनों रेशो क्या हो गई, इक्वल, और एंगल ए क्या है, कॉमन, ये क्लियर है। जब भी कॉन्ग्रेंसी होगी तो आपने साइड इक्वल करके रेशो वन लेनी है, ठीक है, रेशो इक्वल आ गई, एंगल ए कॉमन, ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर है। एक्चुअली ये रिजल्ट क्यों ट्रू हुआ है, आपको बताया था कि जब भी कोई कॉन्ग्रेंट फिगर होती है तो वो सिमिलर होती है, लेकिन अगर सिमिलर हो तो जरूरी नहीं कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, कॉन्ग्रेंट थी तभी सिमिलर हुई है ये, अदरवाइज नहीं हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो, फिगर गिवन है, स्टार्ट करो, इजी है बहुत, करो स्टार्ट और बताओ कौन से रूल से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर रहे हो, इजी है, करो स्टार्ट।
फर्स्ट वाला ट्रायंगल है PEP और CDB, उसमें P कॉमन है, मेन में पता चल रहा है P कॉमन है, और एंगल E और D 90 है, E और D 90 है, एंगल P कॉमन है, डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। नेक्स्ट देखो, ABD और CBE कॉमन क्या है, D है, और P और E 90 है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 करो। इसके बाद 8th की फिगर नहीं है, वो करते हैं अभी, पहले 9th कर लो। 7th बिल्कुल सेम है सारे पार्ट्स, 9th करो स्टार्ट। फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें हाँ सारे डबल ही हैं, 7 के साथ। आप क्या पूछ रहे हो केशव? फर्स्ट वाले में कॉमन है या वर्टिकली ऑब्जेक्ट एंगल है? मैंने तो नेम लेके बोला है, ऐसे वर्टिकली ऑब्जेक्ट एंगल। 9th का फर्स्ट पार्ट जो है, एंगल ए कॉमन, एंगल बी, एंगल बी और एम 90, डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, रेशो इक्वल करनी है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आनी। देखो रेशो जो है उसी ट्रायंगल की है कि किसी और की है? उसी की है। जो रेशो शो करनी है 9th क्वेश्चन में, जो ट्रायंगल आपने सिमिलर किया उसी की है या रेशो किसी और ट्रायंगल की है? बस ठीक है, जैसे आप कॉन्ग्रेंसी में सीपीसीटी बोलते थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जगह रेशियो वाली लाइन आई, ठीक है, और एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम है। 10th देखो, 10th क्वेश्चन, अटेंडेंस में लिख लेना सिर्फ जानती है और प्रपोज।